हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन ये है कि बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन, और क्वेश्चन को सॉल्व करना है डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस टू इंटू वाई प्लस इक्वल टू जीरो। बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई जीरो इज इक्वल टू जीरो, सॉरी बाउंड्री कंडीशन दे रखी है वाई जीरो इज इक्वल टू वन, वाई डैश जीरो की वैल्यू भी दे रखी है मेरे को वन। ओके, ये मेरा क्वेश्चन है। लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से मेरे को इसको हल करना है। मैंने सबसे पहले वाई के अंदर मल्टीप्लाई की जो कि निकल करके आया डी स्क्वायर वाई माइनस टू डी वाई प्लस के टू वाई इज इक्वल टू जीरो। हम जानते हैं डी स्क्वायर वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है वाई डबल डैश, और डी वाई की जो वैल्यू होती है वो होती है वाई डैश। मैंने दोनों वैल्यू इसके अंदर पुट की, ये निकल करके आया वाई डबल डैश माइनस टू, ये बना वाई डैश प्लस के, ये हुआ टू वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। मैं कह रहा हूँ टेकिंग लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बोथ साइड, तो ये बन जाएगा एल ऑफ वाई डबल डैश माइनस टू एल ऑफ वाई डैश प्लस टू एल वाई एल ऑफ वाई, ऐसे लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, इज इक्वल टू ज़ीरो। हमारे पास फार्मूला होता है एल ऑफ वाई डबल डैश का, क्या होता है फार्मूला होता है पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो, और एल ऑफ वाई डैश का फार्मूला होता है पी एल वाई माइनस वाई ज़ीरो। ओके, ये दो फार्मूले होते हैं जिनका मैं इस क्वेश्चन के अंदर यूज़ करने जा रहा हूँ। ओके, तो ये क्वेश्चन पहले वाला रिजल्ट डाला मैंने जो कि निकल करके आया मेरे पास, ये हुआ पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो। ओके, पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई ज़ीरो माइनस वाई डैश ज़ीरो माइनस के टू एल ओ वाई की वैल्यू है, ये हुई मेरे पास पी वाई ज़ीरो माइनस के, सॉरी ये पी एल वाई है, ज़रा सी गलती कर दी है यहाँ पे, ये मेरे पास कितना है भाई पी ओफ एल वाई माइनस वाई ज़ीरो। ओके, प्लस टू एल वाई प्लस के टू एल वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। बट मेरे को क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ क्या है, वाई ज़ीरो की वैल्यू दे रखी है वन और वाई डैश ज़ीरो की वैल्यू भी दे रखी है मेरे को वन। क्वेश्चन को देखो आप, दोनों के दोनों रिजल्ट आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ से जो है मैं अगले वाले पोर्शन की तरफ चलता हूँ और क्वेश्चन को देखता हूँ क्वेश्चन बनेगा क्या। ओके, तो ये हुआ मेरे पास पी स्क्वायर एल वाई माइनस पी वाई जीरो की वैल्यू माइनस के, पी वाई जीरो की वैल्यू तो वन है, देखो मैं यहाँ पुट करूँगा माइनस कितना होगा भाई पी गुणा वन और माइनस वाई जीरो की वैल्यू भी वन है, माइनस के वन हो जाएगी ये, और फिर माइनस के वन और यहाँ है माइनस के टू, और ये है मेरे पास एल ऑफ पी एल वाई है ये माइनस पी एल वाई माइनस, यहाँ वाई जीरो की वैल्यू डाली मैंने भाई, वाई जीरो की वैल्यू मैंने यहाँ डाली जो कि वन के बराबर है, देखो यहाँ वैल्यू डाली मैंने कितना है माइनस के वन और फिर प्लस टू एल वाई, टू एल वाई इज इक्वल टू है ज़ीरो। क्लियर, आगे देखते हैं। ये बना मेरे पास पी स्क्वायर एल वाई, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, पी स्क्वायर एल वाई माइनस के पी हुआ माइनस के वन हुआ माइनस के टू पी एल वाई हुआ और माइनस माइनस प्लस के टू हुआ, देखो ना प्लस के टू हुआ प्लस के टू एल वाई हुआ इज इक्वल टू हुआ ज़ीरो। एल वाई मैंने कॉमन ले लिया इसके अंदर से, एल वाई कॉमन लेने के बाद ये बचा पी स्क्वायर
माइनस के टू पी प्लस के टू, और ये हुआ माइनस का पी, और माइनस का वन प्लस का टू प्लस का वन बराबर जीरो के। क्लियर, ये हुआ यहाँ से एल ऑफ वाई, और ये हुआ पी स्क्वायर माइनस के टू पी प्लस के टू इज इक्वल टू बना मेरे पास पी माइनस के वन। एल ऑफ वाई की वैल्यू निकल करके आई कितनी बनी भाई, पी माइनस वन डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस के टू। क्लियर, यहाँ से आगे देखता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं एल ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये हो गया मेरे पास पी माइनस वन बटे, इसको लिख सकता हूँ पी स्क्वायर माइनस टू पी प्लस वन प्लस वन। ओके, टू को लिखा मैंने, अब ये बना एल ऑफ वाई इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, ऊपर बना पी माइनस के वन डिवाइडेड बाई, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, पी माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर बन गया और प्लस के वन। क्लियर है ना, अगले पेज पर चलते हैं। पी माइनस वन पी माइनस का स्क्वायर, एल ऑफ वाई बना मेरे पास, ऊपर बना पी माइनस वन बटे पी माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर और प्लस के वन। क्लियर है ना, मैंने यहाँ यूज़ किया शिफ्टिंग थ्योरम, शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ किया मैंने भाई। ओके, जैसे ही मैं यहाँ शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करूँगा, इनवर्स लाप्लास लूँगा सबसे पहले, तो मैंने यहाँ दोनों तरफ इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन लिया। ओके, बराबर इधर बना मेरे पास एल इनवर्स पी माइनस वन बटे पी माइनस वन का कंप्लीट स्क्वायर और प्लस के वन। ओके, यहाँ से मैंने इसके अंदर शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ किया, इधर ये तो ख़त्म, ये हुआ वाई इज इक्वल टू, शिफ्टिंग थ्योरम का यूज़ करते ही हो जाएगा ई की पावर टी एल इनवर्स, यहाँ बचेगा पी बटे पी स्क्वायर प्लस के वन। ओके, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो ये होता है वाई इज इक्वल टू, इधर तो होगा ई की पावर टी, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होता है कॉस टी। ओके, आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, ठीक है ना।